ट्रिकी क्वेश्चन है इसे, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमें 2x+1 दिया गया है, तो 2x+1 हमें अंदर भी 2x+1 ही बनाना है। तो ये रहता है कि ये अगर x हो, तो अगर x अंदर होता है तो फिर उसी के इनवर्स वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो 2x+1 ये है, तो यहाँ हमें 2x+1 बनाना है ताकि हम उसका सीकेंड इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसे हम लिखते हैं कि 1/2x+1। आगे हमारे पास अंडर रूट दी गई है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, और +4x को मैं लिख सकता हूँ 2×2x×1। इसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। आगे मैं +1 ऐड कर देता हूँ, -1 ऐड कर देता हूँ, फिर भी इसे इक्वेशन को कोई सेपरेट नहीं करेगा। आगे dx को मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया, अब इसे इक्वेशन नंबर में 1। तो इसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि इसका स्क्वायर बना लेता हूँ कंप्लीट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, 2x+1 का स्क्वायर बन गया है। तो मैं इसे लिखता हूँ कि ये इंटीग्रेशन 1/2x+1 अंडर रूट दी गई है हमें, तो मैं इसे अंडर रूट लिखता हूँ 2x+1 का। अब ये होल स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये 2x+1 का स्क्वायर है जो मैंने 2x+1 लिख दिया। आगे नेगेटिव मैं 1 को और लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये dx। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं इसमें लेट कर लेता हूँ कि y जो है वो इक्वल है, y इज़ इक्वल टू 2x+1 के। अब जब मैं इसका डेरीवेटिव लूँगा, dy इज़ इक्वल टू 2x का डेरीवेटिव क्या होता है 1, फिर 1 का डेरीवेटिव क्या होगा 0। यहाँ से अब मैं अगर dy/dx था, तो dy इज़ इक्वल टू 2dx के, हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ dx की, तो 1/2dy इज़ इक्वल टू dx के। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जी, इंटीग्रेशन 1/2x+1, 2x+1 किसके इक्वल था y के। आगे हमारे पास अंडर रूट दी गई है, 2x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये 2x+1 y के इक्वल था, तो ये y का होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 होता है, और dx दिया गया, dx की वैल्यू हमने निकाली है कि वो इक्वल है 1/2dy के। अब मैं क्या करता हूँ जी, 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो इसे मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हम 1/2 को बाहर निकाल लिया जी। उसके बाद इंटीग्रेशन 1/y, इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर -1 को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है सीक इनवर्स वाला, तो यह मैं सीक इनवर्स वाला फार्मूला लगाता हूँ। 1/2, तो ये 1 ऊपर वाला मैं वैसे लिखता हूँ, 1/ कांस्टेंट लिखते हैं पहले, फिर सीकेंड इनवर्स वेरिएबल, और कांस्टेंट वेरिएबल वाई है, वो कांस्टेंट 1 है, और उसके बाद जो है प्लस सी मैं लिख देता हूँ क्योंकि एनी कांस्टेंट है। अब मुझे वैल्यू चाहिए वाई की, तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करूँगा, तो वाई की वैल्यू को मैंने ऊपर लेट कर लिया था कि वह 2x+1 के इक्वल है, तो यहाँ मैं वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ जी, 1/2 सीकेंड इनवर्स इक्वल है 2x+1 के प्लस सी जी। ये हमारे पास आंसर है। देखें, क्वेश्चन नंबर 81 है, तो यहाँ हम देखें सीकेंट स्क्वायर टी टेन इंटू टेन टी डी टी, तो ये टेन टी जो है वो टेन टी दरअसल नहीं है, वो टेन टी टेन का एंगल है, तो इसे एंगल तस्वर किया जाता है। तो ये टेन टी जो है वो टेन का एंगल है, तो मैं इसे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इसे। ओके, लेट कर लेते हैं जी, y इज इक्वल टू टेन टी के, इस एंगल को जो मैंने लेट कर लिया y के। अब मैं जिसका डेरिवेटिव लेता हूँ dy/dt, या मैं x नहीं लिखूँगा, मैं t लिखूँगा क्योंकि इक्वेशन t में दी गई है, dt इज इक्वल टू टेन टी का डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड से क्या t होगा। अब यहाँ से मुझे वैल्यू डी वाई की निकालता हूँ। सबसे पहले डी वाई इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टी, यहाँ डी टी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मैं इसे लिखूँगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब मैं वैल्यू हमें चाहिए डी टी की, तो डी टी की यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/ सीकेंट स्क्वायर टी डी वाई के। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ सिंपली। तो
तो ये सीकेंट स्क्वायर टी को मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये सीकेंट स्क्वायर टी है आगे, क्योंकि इसे हमें कैंसिल करना है, और टेन टी हमारे पास वाई के इक्वल था जी, मैं वाई के इक्वल लिख लिया। अब उसके बाद डी टी दी गई है, क्योंकि डी टी की वैल्यू हमने निकाल लिया कि वो इक्वल है 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर टी डी वाई के। अब देखें सीकेंट स्क्वायर टी से सीकेंट स्क्वायर टी कैंसिल हो जाता है, और टेन वाई की इंटीग्रेशन अब हमारे पास क्या होगी, टेन वाई की इंटीग्रेशन दो होती है, एक होती है नेगेटिव लॉग कॉस वाई के, दूसरा होती है लॉग सीकेंट वाई के। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि लॉग सीकेंट वाई प्लस सी के, तो सिंपली मैं यहाँ वैल्यू लिख पुट कर देता हूँ, लॉग सीकेंट वाई की वैल्यू जो मैंने पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू जो थी वो टेन टी थी, तो ये टेन टी की वैल्यू जो मैंने पुट कर ली, और प्लस सी जो है मेरे पास कॉन्स्टेंट आंसर है। नंबर 82 है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स अंडर रूट 3 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये डी एक्स है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, कि वो इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हो 1 ओवर वाई हो अगर हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो अंडर रूट में या डी वाई हो, तो वो इक्वल होगा हमारे पास नेगेटिव कोसेकेंट एच इनवर्स वाई प्लस सी। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि जो इस अगर ये इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये आंसर आएगा मेरे पास, और सिंपली अगर मैं इस चीज़ की इंटीग्रेशन ले रहा हूँ तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसका आंसर ये आता है, तो इसी फार्मूले की बेस पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए 1 ओवर एक्स अंडर रूट में मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 3 को कॉमन लूँगा अंदर मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 होगा, तो ये डी एक्स लगा लिया मैंने। अब यहाँ से मैं 3 की अंडर रूट को अलग कर लेता हूँ जी, 1 ओवर एक्स डॉट 3 अंडर रूट को मैंने अलग कर लिया, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 की अंडर रूट को मैंने अलग कर दिया डी एक्स, यानी कि अंडर रूट को मैंने दोनों की अंडर रूट को मैंने अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ से अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 ओवर एक्स अंडर रूट 3 डॉट, तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स ओवर 3 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स ओवर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इस तरह मैं इसे लिख सकता हूँ, तो इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा डी एक्स के, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो वो एक्स स्क्वायर ओवर 3 अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम कह देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इसकी जो है सिंपली सब्सटीट्यूशन करता हूँ, अब मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि इक्वेशन एक्स में दी गई, तो मैं वाई के लेट करता हूँ, वाई इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 3 अंडर रूट के, तो एक्स ओवर 3 अंडर रूट के मैंने इसे लेट कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ से 1 ओवर 3 अंडर रूट जो है मेरे पास कांस्टेंट है, और एस का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। अब सिंपली अगर मैं डी वाई को इक्वल करना चाहूँ तो 1 ओवर 3 अंडर रूट डी एक्स के इक्वल होगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ डी एक्स की, तो यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से डी एक्स की मेरे पास वैल्यू बनेगी 3 अंडर रूट डी वाई इज इक्वल टू डी एस के। डी एस की वैल्यू अब मैंने निकाल ली, अब डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 को मैं वैसे लिखता हूँ, प्लस एक्स ओवर 3 अंडर रूट, एक्स ओवर 3 अंडर रूट से इक्वल था वाई, तो ये वाई का क्या बनेगा स्क्वायर, तो फिर
अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा देते हैं जी। उसके बाद डी एस है, डी एस की वैल्यू हमने निकाली है वो इक्वल है 3√dy के। अब देखें 3√ से 3√ कैंसिल हो जाती है। अब मुझे एक्स की यहाँ वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ लेट कर लिया था कि एक्स जो है वाई जो है एक्स और 3√, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स और 3√ के। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3√ और वाई के बनेगी। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ निकल आई है कि एक्स इज इक्वल टू 3√y। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 3√y, एक्स की वैल्यू मैंने ये निकाली है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ। तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है 3√1 के, तो यहाँ मैं एक्स की जगह पुट कर देता हूँ 3√y के। उसके बाद 1+y² होल की √ दी गई है डी वाई। अब 1/3 जो है कांस्टेंट है, तो इसमें बाहर निकाल लेता हूँ 1/3 इंटीग्रेशन 1/y√1+y² डी वाई के। अब देखें ये हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला था जो डेरिवेटिव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से डिफाइन होता था। 1/y(1+y² डी वाई मैंने ऊपर बताया है कि वो इक्वल है हमारे पास 1/y(1+y² डी वाई इक्वल नेगेटिव कोसेकेंट एच इनवर्स वाई प्लस सी के होता है। तो यही फार्मूला जो है हमने यहाँ लगा लेना है। तो 1/3√ को मैं वैसे लिखता हूँ, तो ये इक्वल था नेगेटिव कोसेकेंट एच इनवर्स वाई, वेरिएबल ओवर कांस्टेंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी के। अब सिंपली जो है मुझे वैल्यू चाहिए वाई की, वाई की वैल्यू जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी कि वाई इक्वल था हमारे पास x/3√ के, तो मैं यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये 1/√3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये कोसेकेंट एच इनवर्स वाई की वैल्यू ऊपर मैंने कहा है कि वो x/3√ के इक्वल है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x/3√+c के। जी ये हमारे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 का सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, तो उसके उसके मुताबिक इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 1/x√1+x² हो तो वो इक्वल होगा हमारे पास ये 1 ओवर ये कांस्टेंट 1, फिर नेगेटिव फार्मूला इनमें इन्वॉल्व होता है, फिर कोसेकेंट एच इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट यानी कि x/1+c के, या सिंपली जबान में से कह देते तो कोसेकेंट एच इनवर्स एक्स के, नेगेटिव कोसेकेंट एच इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो ये जस्ट समझाने के लिए, तो इसको हम सॉल्व लिखते हैं कि इंटीग्रेशन 1 ओवर, इसे मैं इसे लिख सकता हूँ कि एक्स इंटू 3 दी गई है, 3+s² है, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3√² प्लस x² और डी एक्स इसके लिख सकता हूँ। अब इसी फार्मूले के मुताबिक इसको मैंने लिखना है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा कि नेगेटिव ये 1 ओवर कांस्टेंट, जैसे मैंने इस तरह लिखा था कि 1 ओवर पर ये कांस्टेंट लिखा था, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँगा कि 1 ओवर कांस्टेंट, ये 1 ओवर कांस्टेंट जो दिया गया है वो बगैर स्क्वायर के, तो 3√ है। उसके बाद कोसेकेंट एच इनवर्स था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोसेकेंट एच इनवर्स, और उसके बाद वेरिएबल वो कांस्टेंट था हमारे पास वेरिएबल एक्स था, और उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास 3√ के इक्वल था, और प्लस सी लगाते थे। जी हमारे पास आंसर है।